हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे थोड़े से काले कच्चे चने से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे बनाना इतना आसान है ना कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी काले चने लिए थे, जिसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था और इसे रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। और ये देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी में इसे भिगो दें तो 4 से 5 घंटे में ये बढ़िया से फूल जाएगा। इसमें जो पानी था, सारा पानी हमने छान कर निकाल दिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे चने को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, लगभग 15 से 20 काली मिर्च है। 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। अब साथ ही में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर लगे आपको कि ये पिस नहीं रहा है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको एकदम बढ़िया से पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने पीस लिया है। इसे पीसने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाला है और एकदम बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसका पेस्ट एकदम बढ़िया से तैयार है। अगर आपको लगे कि ये बिना पानी डाले ही पिस जा रहा है तो इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे कि इसका पेस्ट हमें गीला नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मनपसंद और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक और कम मसालों का यूज कर रही हूँ, फिर भी ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो ये वही आटा है जो डेली हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हाथ से बढ़िया से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें बढ़िया से आ जाए। अब इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को हाथ से मसलते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसका डो ना तो बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह से डो लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, इसे मैं गूँथ ली हूँ और एकदम मीडियम सख्त डो लगाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और आटा बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये बढ़िया से स्मूथ हो जाए। एकदम बढ़िया से स्मूथ कर लेने के बाद इसे 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, उसे थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ना है। तो ये लीजिए, इतने आटे में थोड़े से बड़े साइज की 5 लोई तोड़ ली हूँ। अब 1 लोई हाथ में लेकर बढ़िया से रोल करते हुए इसकी लोई बना लेंगे। अब इसे बेलेंगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे जिस तरह से रोटी बेलते हैं, उस तरह से बेलकर तैयार करना है। इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेलना है और रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से। तो अब जो हमने चने की चटपटी सी टेस्टी सी स्टफिंग तैयार की थी, उसे इस पर बढ़िया से फैलाएंगे। तो इसे एकदम बराबर से बढ़िया से फैलाना है, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं फैलाना है। तो इस पर बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं फैलानी है, बस 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डालकर एकदम बराबर से बढ़िया से फैला लेना है। अब इसका एक किनारा इस तरह से पकड़ कर उठाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। तो इसे हमें टाइटली रोल करना है ताकि इसके अंदर एयर न जाए और ये एकदम प्रॉपरली बढ़िया से पैक हो जाए। तो ये देखिए, इसे एकदम बढ़िया से टाइट रोल कर ली हूँ। अब इसके कॉर्नर को भी हाथ से दबाते हुए बढ़िया से पैक कर लेंगे ताकि स्टफिंग इधर से भी बाहर ना निकले। और ये देखिए, एकदम बढ़िया से एक रोल बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे रोल को बनाकर तैयार कर ली हूँ।
तो अब इन्हें स्टीम करेंगे। तो उसके लिए कोई जाली वाला झन्ना हो या जाली वाला प्लेट हो या फिर आपके पास इडली का स्टैंड हो तो उसमें भी इसे आराम से स्टीम कर सकते हैं। अब इसमें हल्का सा तेल या घी लगा देंगे जिससे कि ये स्टीम होने के बाद इससे ईजिली निकल जाए। अब एक एक करके रोल इसमें रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे रोल को रख देंगे। तो अब इसे स्टीम करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दी थी। पानी बढ़िया गर्म हो गया है तो पानी थोड़ा ही भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे कि छलनी के ऊपर आ जाए। अब इस पर छलनी रख देंगे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में एकदम बढ़िया से पक जाएगा। और ये देखिए 20 मिनट बाद मैं इसे निकाल ली हूँ और आप इसका कलर देखिए, देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना बढ़िया से पक चुका है। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से चाकू आगे पीछे करते हुए इसे कट कर लेंगे। अगर ये बढ़िया से पका है तो ये एकदम ईजिली कट जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं काटने में। तो ये देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो अब इसी तरह से सारे रोल्स को कट कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे रोल्स को कट कर ली हूँ। वैसे तो ये नाश्ता अब बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई करूँगी जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल मीडियम गरम कर ली हूँ। इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। अब इसमें एक एक करके इस नाश्ते को डालेंगे। तो जितना पैन में एक बार में आराम से आ जाए उतने डाल देंगे। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले एक साइड से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर पलट कर 3 मिनट तक दूसरे साइड भी पकाएंगे। तो दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। वैसे दोस्तों ये सेलो फ्राई वाला प्रोसेस पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो फ्राई करें, नहीं तो आप इसे ऐसे ही खाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देखिए अब इसमें कितना प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ गया है। तो बस अब इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे नाश्ते को फ्राई कर ली हूँ और आप देख सकते हैं कि ये नाश्ता कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ ये देखने में ही अच्छा नहीं है, खाने में भी एकदम लाजवाब है। इसे आप हरी धनिया की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों आप भी इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।